युवाओं के लिए योग अभ्यास करेंगे। वैसे तो यहाँ अभी पंडाल में करीब 50-60% युवा ही मुझे दिख रहे हैं, और किसी की थोड़ी उम्र अधिक भी हो तो अपने आप को बुजुर्ग मत मानना, क्योंकि युवा होता है उत्साह से, शौर्य से, पराक्रम से, तेज से, पुरुषार्थ से। युवा होता है व्यक्ति मन से। कभी भी अपने भीतर किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता नहीं आने देना, अपने सामर्थ्य का ख्याल जरूर रखना। कभी भी अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, कमजोर नहीं समझना। मैंने आपको मुख्य 5 प्राणायाम तो कहे ही हैं। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, किसी भी प्रकार की दुर्बलता विशेष है, तो ऐसे कर लेना, ऐसे। और कोई दुर्बलता नहीं है तो वेग पूर्वक करो। जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, बलवान हैं, ऊर्जावान हैं, वो ऐसे करो। रुकना मत जब तक थक न जाओ। जैसे पियक्कड़ होते हैं ना, तब तक पीते हैं जब तक पूरे ढह नहीं जाते। तो सुनो, कंधे ज्यादा नहीं हिलाना, इतना ज्यादा कंधे नहीं, कंधे ऐसे नहीं रहे। श्वास प्रश्वास की गति से जितना आकुंचन प्रसारण होता है फेफड़ों का, उतना तो थोड़ा हिलेंगे ही, उससे ज्यादा नहीं। देखो, जब आप वेग पूर्वक ऐसे करते हो ना प्राणायाम, चेहरे पर कोई तनाव नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे कर दे, कुछ झगड़ा हो रखा है प्राणायाम से, ध्यान से, भगवान से? नहीं, खुशी खुशी करना, सामान्य गति, मध्यम गति, अतिव्र गति से वस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, मैं बार बार कहता हूं। सुबह उठ करके एक बार पसीने से नहाया करो, घर्म स्नान, अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद घृतम चक्षुमृतम आसन अर्क सिधातु रजसो विमानो अजस्रो। इतना जबरदस्त भीतर उत्साह होना चाहिए। देखो, अब भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो सबके लिए बता दिया। अब जो जवान जवान बेटे बेटियां हैं, जो मेरे साथ कर सकते हैं, उनके लिए एडवांस योग प्रैक्टिस, अपने आप को तैयार कर लो। जिनकी धोती है, कटी वस्त्र है, बांध लो। जवानों को सुबह सुबह, बाकी भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम करना। जवानों को सुबह सुबह शीर्षासन करना चाहिए, प्रारंभ में दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के। ऐसे एक एक पैर को भी उठा सकते हैं, ऐसे बैलेंस बना सकते हैं ना। और प्रैक्टिस के बाद तो ऐसे ही उठ जाते हैं। देखो,
इसी में पद्मासन भी लगा सकते हैं। आराम से नीचे ऐसे एक मिनट से लेकर के आसन का मैंने समय कहा कुछ नहीं किया, उनका अभिनंदन है, कुछ पीछे बीच में आगे कर रहे हैं। एक से पांच मिनट आसन का समय कितना है? एक से, चलो आप सब कर पाएंगे। ऐसे लेट जाओ, सर्वांग आसन, पैर उठाओ, ये तो सब कर पाएंगे, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। उठा करके घुटने सीधे, पंजे इतने बेड़ी सेड़ी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ कीजिए सब। बस इसमें जिनको उच्च रक्तचाप हो उनसे नहीं करवाते। ये भी एक से पांच मिनट ऐसे करना है, एक से पांच मिनट। अब पैरों को पीछे टिका दीजिए, हलासन, हाथ जमीन पर टिक जाएंगे, हथेली नीचे की ओर, और बैलेंस न बन पाए तो हाथ लगा के भी रख सकते हैं। फिर वापस आ जाइए, पैर मोड़ लीजिए, बीच से उठा दीजिए चक्रासन। कुछ बनी बात? बन गई। बैठ जाइए, ये जवानों के लिए है, जो जवान जो युवान ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि करेंगे उनमें बुढ़ापा जल्दी, और 100 साल में आ भी जाए तो फिर दूसरों का नंबर आ जाए, कोई ठेका ले रखा हमने।